हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हुए थे वो सारे अपन ने डन किए थे। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूटिलाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.4 करने में। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या था? सबसे पहले तो अगर मुझे ए यूनियन बी करना है तो ए और बी के बीच में यू का सिंबल आ जाएगा, इट स्टैंड्स फॉर यूनियन। और फिर जितने भी एलिमेंट ए के हैं और जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे फर्स्ट एक्स है 1 3 5 और वाई है 1 2 3। तो मुझे अगर एक्स यूनियन वाई करना है तो व्हाट विल आई डू? तो मैं एक्स के सारे एलिमेंट लिख दूंगा 1 3 5 और फिर वाई के भी सारे एलिमेंट लिख दूंगा। क्योंकि 1 ऑलरेडी डन है तो इसलिए हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 हम लोग जरूर लिख देंगे लेकिन 3 अगेन दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्स यूनियन वाई में एक्स वाले और वाई वाले सारे एलिमेंट आ गए। सेकंड पार्ट है, ए है आपके पास ए ई आई ओ यू और बी है ए बी सी। यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ही लगेगी। तो ए यूनियन बी में ए और बी वाले सारे एलिमेंट लिख दो। ए ई आई ओ यू और अब आप बी में देखो, ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी और सी हम लोग दो एलिमेंट ये भी लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि ऑर्डर आप ए बी सी ई आई ओ यू या कैसे भी लिख सकते हैं। सेट में जब भी हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर भी हमने ऑर्डर का कोई खास ध्यान नहीं रखा। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले अपन साइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट ए में नेचुरल नंबर आने चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, जैसे 3 6 9 12 सो ऑन। नेचुरल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट सेट जाएगा। सेट बी है, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं करना, लेस देन 6 है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमें ए यूनियन बी में वो एलिमेंट भी लिखने हैं जो ए में है और जो बी में है वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बी वाले एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 2 3 को लीव आउट कर दो, 4 5। तो बी वाले सारे एलिमेंट आ गए सिर्फ 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 ए में भी शामिल है। तो अब हम 3 वाले एलिमेंट्स को कैसे शामिल करेंगे? ए में 3 6 9 12 है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, और ये कोमा यहां से हटा देंगे हम लोग, और नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपको याद हो, यूनियन में हमेशा यूनियन का मतलब और होता है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर और शब्द का यूज करना है कि 1 2 4 5 तो बी में आ गए और नेचुरल नंबर, ये नॉट नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 ए में सारे ही आ जाएंगे और बी में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए यूनियन बी लिखा जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 6 या 6 से छोटी है। तो इसका मतलब है अगर मुझे सेट ए लिखना हुआ तो 2 3 4 5 और 6 लिखा जाएगा। अगर बी की बात करें तो बी में एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है 10 से छोटी है,
तो मतलब कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे, 7, 8, 9, 6 और 10 इंक्लूड नहीं है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया सभी नंबर्स को लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से हमने ए और बी वाले सारे एलिमेंट लिख दिए, चाहे कोई कॉमन है चाहे नहीं है। यूनियन का मतलब यही होता है कि सभी एलिमेंट लिखने होते हैं। ओके, इसको अपा ओके, एक पार्ट और रह गया अभी। यस, ए है 1, 2, 3 और बी है 5। तो ए जब मेरा 1, 2, 3 है और बी मेरा 5 है, 5 का मतलब होता है नल सेट, यानी कुछ भी नहीं है। तो आपको कल प्रॉपर्टी, मतलब परसों की थी हमने यूनियन वाली प्रॉपर्टी, कि जब भी ए यूनियन बी होगा और बी अगर एक नल सेट है तो फिर ए सेट उसका आंसर आएगा। तो यानी कि 1, 2, 3 इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इस पे कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, सिंपली ए यूनियन बी एक इक्वल ही हो जाएगा। ये आपका नल सेट के विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमारे डन हुए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेट ए ए कोमा बी, सेट बी ए बी सी दिया हुआ है। क्या ए बी का सब सेट है? सबसेट की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिस सेट को सबसेट आपने प्रूव करना है या फिर बताना है उसके सभी एलिमेंट बड़े सेट में होने चाहिए। तो अब ए में ए कोमा बी है और सेट बी में ए बी दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे तीसरा एलिमेंट कोई है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं, ए वाले सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है यस, ए जो है वो बी का सबसेट है। ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। एज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, तो बी सेट में सारे एलिमेंट वो मौजूद है जो ए सेट में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आगे पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी वाले सारे एलिमेंट लिख दो, तो ए बी सी लिखा जाएगा। और ए यूनियन बी वैसे भी अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जो बड़ा सेट होगा वो उसका आंसर बनता है। तो ए यूनियन बी आप देखोगे ए बी सी यानी कि सेट बी के इक्वल हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट हैं, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी जनरल में पूछ लिया, आपको ये याद रखने रिजल्ट को, अगर सपोज करो एक सेट है ए वो बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसका यूनियन निकालोगे तो बड़ा सेट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बी एक बड़ा सेट है तो ए यूनियन बी बी आएगा। अगर सपोज करो बी ए का सबसेट होता तो अब ए जो है वो बड़ा सेट मिलता, तो फिर इसका मतलब है ए यूनियन बी अब ए के इक्वल होता। तो यानी कि जो सेट बड़ा होगा ए और बी में से वो आपका आंसर बनेगा यूनियन में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड इसकी एक एग्जांपल टाइप लगा लो और थर्ड एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे लगा लो। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ए बी सी डी ये चार सेट आपको दिए हैं, आपको फर्स्ट ए यूनियन बी फाइंड करना है, मतलब काफी सारे पार्ट्स हैं तो बड़े इजी हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए और बी वाले सारे एलिमेंट लिख दो, 1, 2, 3, 4। ओके, 3 और 4 बी में रिपीट हो गए तो हमें नहीं लिखने दोबारा, सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, 5 एंड 6। सेकेंड है ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि जो भी एलिमेंट ए में है और जो भी एलिमेंट सी में है वो सभी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है बी यूनियन सी। अब बी और सी में 5 और 6 कॉमन है, तो इसका मतलब है
फाइव और सिक्स को आप एक ही बार लिखोगे और बाकी जो एलिमेंट बच गए हैं उसको आप राइट डाउन कर दो। बी यूनियन डी, बी और डी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो भी सभी लिखने पड़ेंगे, 3, 4, 5, 6, और डी वाले 7, 8, 9, 10 ये भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। देन ए बी सी का यूनियन, अब तीन सेट में जितने भी एलिमेंट है वो लिख दो, पहले ए के लिख दो 1, 2, 3, 4, फिर बी के लिख दो, 3, 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 5, 6 लिख दो, सी 5, 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 और 8 लिख दो, ये लो ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर ए यूनियन बी यूनियन डी, अब ए और बी, पहले तो ए वाले लिख दो 1, 2, 3, 4, फिर बी वाले लिख दो 5, 6, फिर डी वाले लिख दो 7, 8, 9, 10, ये लो जी ए यूनियन बी यूनियन डी आ गया। देन बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी का यूनियन, लो पहले बी वाले एलिमेंट लिख दो, 3 से लेकर 6 तक लिख दिए, फिर सी वाले लिख दो, 5 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 7 और 8 लिख देंगे, फिर डी वाले लिख दो, 7 और 8 लिख चुके हैं तो 9 और 10 लिख देंगे। तो ये यूनियन के फर्स्ट 4 क्वेश्चन आप लोगों के ढक हुए। आई होप अगर थियोरेटिकली कोई डाउट रहा भी होगा आपका यूनियन बढ़ते हुए, तो अब इन 4 क्वेश्चन से वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इनकी प्रैक्टिस और रिविजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।